2025 चैंपियनशिप ट्रॉफी में पाकिस्तान जाएंगे ये 15 भारतीय खिलाड़ी। नमस्कार, मैं रिया गुप्ता, आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। वर्ल्ड कप 2023 के बाद वनडे टूर्नामेंट की बात करें तो साल 2025 में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी पाकिस्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तान में 1996 के बाद यह पहला आईसीसी इवेंट होगा। यह एक आईसीसी टूर्नामेंट है और इसी वजह से टीम इंडिया को भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भाग लेने के लिए पाकिस्तान जाना होगा। साल 2023 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया के कई खिलाड़ी संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में जाने वाली टीम इंडिया कैसी दिख सकती है? 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में जाने वाले 15 भारतीय खिलाड़ी में साई सूरदर्शन, यशस्वी जायसवाल जैसे युवा खिलाड़ियों का नाम शामिल हो सकता है। इन सभी खिलाड़ियों ने भारत को घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। यशस्वी जायसवाल ने इस साल के आईपीएल सीजन में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेले 14 मैचेस में 625 रन बनाए हैं। वहीं साई सूरदर्शन की बात करें तो गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हुए उन्होंने आईपीएल 2023 के फाइनल में 96 रन बनाए थे। इसके अलावा साई सूरदर्शन का भी अभी हाल में समाप्त हुए इंडिया का एक टूर भी लाजवाब रहा था, जिसके कारण उन्हें टीम इंडिया में आगामी दिनों में मौका मिल सकता है। टीम इंडिया के मौजूदा कैप्टन रोहित शर्मा की उम्र 37 वर्ष हो गई है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट साल 2025 में खेला जाएगा, उस समय रोहित शर्मा की उम्र 39 हो जाएगी। ऐसे में साल 2025 तक रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए वनडे क्रिकेट खेलेंगे, ऐसा होना मुश्किल है। ऐसे में मौजूदा वाइस कैप्टन हार्दिक पांडे टीम इंडिया के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कैप्टनसी करते हुए नजर आ सकते हैं। हाल में वेस्टइंडीज दौरे पर रोहित दो वनडे मुकाबले में टीम इंडिया की कप्तानी की थी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टीम इंडिया का संभावित स्क्वाड: शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, साई सूरदर्शन, रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन विकेटकीपर, हार्दिक पांड्या कैप्टन, ऋषभ पंत विकेटकीपर, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा। यशस्वी जायसवाल ने इस साल के आईपीएल सीजन में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेले मैचेस पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर दीजिए। बने रहे हमारे चैनल फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स में।